जी तुम रोड वेख रहे हो ए नूह वल जाती है। नूह इतों 37 किलोमीटर है तो सोना इतों 13 किलोमीटर है। यह बादशाहपुर तो सीधी रोड जाती है जिहड़ा मुस्लिम बहु इलाका हैगा। बादशाहपुर तो आते हुए सानू कई जगह सड़कां ते ढाबियां ते कई दुकानां ते कई होटलां ते सानू एक धर्म दे एक वर्ग दे झंडे लगे हुए देखे जिदे विच लिखा हुआ सीगा जय श्री राम, जो कि संकेत दिंदा है कि एक तरफ वो कि एक धर्म की अपनी प्राइड एक धर्म नू अपनू दिखाने का प्राइड है, पर दूजे बन्ने वो यह भी एक संकेत दिंदा है कि असी उस वर्ग तो नहीं हाँ। इंडिया की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल नाल पैंदा इलाका हरियाणा जिथे अज 1984 2002 दे गोधरा ते 1992-93 दे बंबई च होए धार्मिक दंगियां वांग एक फिरकू तनाव बनया होया ते हरियाणा अज फिरकू तनाव दे नाल जूझ रहा। हरियाणे दे नूह जिले च हिंसक वारदातां होईयां ने जिन्हां च 8 तों वध बंदे ने जिहड़े ओह अपनी जान तों हथ धो बैठे ने ते कोई 100 दे करीब जख्मी भी होए ने। ये दंगे हिंदू कट्टरपंथी जमात विश्व हिंदू परिषद की अगवाई एक जलूस कढ़ाया गया सी उहदे तों शुरू होए जिहदे च अतवादी ग्रुप बजरंग दल के कारकुनां ने भी हिस्सा लिया ते मुसलमानां ते हमले करने शुरू कर दिते ते इलाके च आउंदियां सारियां मस्जिदां की भन तोड़ शुरू कर दिती। इस तों समझ आउंदा है कि इस समय हरियाणा दे विच किन्ना फिरका प्रस्ती दा माहौल गरमाया होया है ते एक खास वर्ग वास्ते खासकर मुसलमान भाईचारे वास्ते जो कि माइनोरिटी दे विच हैगे ने उहनां लई किन्ना डर दा माहौल है। हरियाणे का नूह ज़िला जो किसी वेले बिल्कुल शांतमई जीवन जी रहा सी इतों के लोग बहुत शांतमई रह रहे सन ते हुण इस वेले अग दे भांबड़ च बलिया। हिंदू कट्टरपंथी जमातां विश्व हिंदू परिषद ते बजरंग दल की अगवाई च एक जुलूस कढ़िया गया। ये जुलूस के दौरान भीड़ ने मुसलमानों नूं कुटना मारना शुरू करता। ये घटनावां इन्नी तेजी नाल वापरियां कि इन्हां दा असर नाल लगदे इलाके ने जिहड़े हरियाणे के सोहना ते गुड़गांव उत्थों तक भी पहुँच गया। हुण अगे असीं तुहानूं सोहना ते नूह दा एरिया उत्थे दे हालात भी दिखावांगे। इत्थे वापरियां हिंसक घटनावां च मोनू मनेसर नाम दा जिहड़ा हिंदू अतवादी है उन्हें एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया से जारी की सी। उहदे तों बाद तनाव बहुत ज़्यादा वध गया ते उहदे समर्थकों ने मुसलमानां ते हमले शुरू करते। स्थिति उदों होर विगड़ गई जदों दूजे हिंदू कट्टरपंथी लीडर बिट्टू बजरंगी ने मुसलमानों नूं निशाना बनाते हुए अपने वालों एक होर वीडियो जारी कर दी। इस तों बाद तां समझो बिट्टू बजरंगी ते मोनू मनेसर के जिहड़े साथी सी अतवादी उन्होंने पूरे इलाके च तरथली मचा दी। इन्हां लोगों कोल वड्डियां वड्डियां गन्नां जिवें SLR ते AK-47 भी देखियां गईयां। ये कित्थों आईयां इत्थों पता लगता कि प्रशासन जिहड़ा सिस्टम है वो इन्हां लोगों नाल मिलिया होया सी। यहाँ मोमड रंग 2-4 गाड़ी वाड़ी आई कुछ एक हमारी बस्ती का भी था, यहाँ मारपीट होने लगी तो भैया फिर यहाँ अब बचाव के लिए इन बाड़कर ने 2-4 पत्थर चलाए। जैसे उन्हें पथराव किया तो इन्हें भी चालू कर दिया, उन्हें उनके पास पिस्टल गोली सारी और सारे लोग यहाँ डरे हुए हैं, बस्ती में कोई नहीं है, अपने निकले हुए हैं भैया सब। नारे भी लगाई है उन्होंने, जय श्री नारे लगाए हैं यहाँ चौक पे। किस चीज़ के नारे? जय श्री राम के। अच्छा। और नारेबाजी लगा के उनके साथ जो लोग हैं उनको यहाँ पहले एक टैक्सी वाले को रोका, उसको मारा, मार के खुनम खान हो गया वो, इधर भागा जब 2-4 को मारा है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि पहले यहाँ से पथराव हुआ फिर उन्होंने अटैक। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से पहले पथराव नहीं हुआ, पहले उधर से 2-4 में वो मारे हैं। हाँ। और खुनम खान होके आए हैं और गाड़ी भी सबसे पहले फूंकी, इधर कोई झगड़ा नहीं हुआ पहले। उनके पास पिस्टल भी थे और डंडा भी थे और पथरे भी फेंके हैं उनने, पेट्रोल बम भी और पेट्रोल बम पता नहीं भड़ाक भड़ाक करे राक्षसी उस टाइम उनमें से पता ना भी कैसे बम है, हम तो जाने ही ना उनने। सोना इलाके की एक सदी पुरानी शाही मस्जिद नूं इस अतवादी हमले का शिकार होना पिया। सैकड़े हिंदू गुंडिया ने पुलिस की मौजूदगी च मुसलमानों के धार्मिक स्थान की भन तोड़ की। हफड़ा दफड़ी के दौरान सिख भाईचारे के मैंबर जिहड़े सन उन्होंने मुसलमानों नूं बचाने लई बहुत वड्डा रोल निभाया ते इत्थों दे दहशत च जिउं रहे मुसलमानों लई मसीहा बन के अगे आए। पिंड जिहड़ा अगे पैंदा जी। अच्छा। ते दरअसल ए सब तो पुरानी मस्जिद आ। अच्छा। इत्थे जी
ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਪਣਕੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੜਾ ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੰਗਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਾਬਰ ਭੀੜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹਮੇਂ ਪਤਾ ਚਲਾ ਜੋ ਕਿ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬਾਹਰ ਸੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਪੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹਮੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਥੀ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਕੇ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ 60-70 ਕੇ ਕਰੀਬ ਵਹਾਂ ਗਏ ਥੇ ਵਹਾਂ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ ਪੁਲਿਸ ਜਬ ਹਮ ਵਹਾਂ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਹਮ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਕੇ ਵਹਾਂ ਵਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਥੀ ਚਾਰ ਪਾਂਚ ਫੈਮਿਲੀਓ ਕੇ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਨਕੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਵਹਾਂ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਆ ਹੁਆ ਵਹਾਂ ਗਏ ਹਮ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਮ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਾਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇ ਥਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਥਰੂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲਿਆਂ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪੈਡਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है बराबर में वहां से एक शोर मचता हुआ आया और उन्होंने आते ही जो है हमारा गेट है मेन गेट वहां पर उन्होंने आते ही जो है अटैक किया मधक्के मारे ठीक है फिर वो दीवार कूद कर अंदर घुस गए तो मैं जैसे ही हमारे पास में शोर की आवाज मेरे बेटे ने बताया कि पापा आ गए हैं हमला हो रहा है तो मैं सारे अपने बच्चों को लेकर अपनी फैमिली को लेकर तब हम अपने अंदर रूम के अंदर सेपरेट हो गए अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए ओके और इस कदर शोर आ रहा था तो हम ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे खुदा आज तो तेरे हाथ में है हमारी जान क्या होगा क्या नहीं होगा तो उनके पास में हथियार थे तलवारें थी भाले थे डंडे थे सरिया थे क्या क्या था तो उन्होंने सबसे पहले नीचे तोड़फोड़ शुरू कर दी हमारे जो है कुर्सियों को तोड़ा वॉशिंग मशीन को तोड़ा फ्रिज को तोड़ा दरवाजों को तोड़ा गाड़ी को तोड़ा मोटरसाइकिल को तोड़ा और बहुत बुरी तरह से अटैक किया ਇਹ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਮਾਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਗਏ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਾਲਾਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਵਰਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਨੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਕੁੰਡ ਸੋਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ